नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A77s मोबाइल में ऐप को हाइड कैसे किया जाता है। जी दोस्तों, आपके पास अगर कोई भी पर्सनल ऐप है तो आप उसको हाइड कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐप को हाइड करने के लिए आपको यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके यहाँ पे हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ से आप पहली बार हाइड करोगे तो आपके यहाँ पे एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पर सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे 6 अंकों का पासवर्ड बना लेना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे यूज या डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पैटर्न में रख सकते हो और 4 डिजिट में रख सकते हो, 4 से 16 अंकों के बीच का भी पासवर्ड रख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पैटर्न में रखेंगे। पैटर्न पे क्लिक किया, अब आपको जो भी पैटर्न बनाना है वो पैटर्न आपको यहाँ पे बना लेना है। एक बार फिर से वही पैटर्न से हम कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपके यहाँ पे एक सिक्योरिटी आंसर देना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी आंसर दोस्तों तब काम आता है जब आप प्राइवेसी पासवर्ड को भूल जाओगे, तो ये सिक्योरिटी आंसर देके आप प्राइवेसी पासवर्ड को फॉरगेट कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर में कुछ भी लिख सकते हो। लिखने के बाद आपके यहाँ पे सही के निशान पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे डू नॉट रिस्टोर पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेंगे सारी एप्लीकेशन आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब जिस एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है उसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देना है। दोस्तों, यहाँ से हम अपना एक फाइल्स बाय गूगल ले लेंगे। दोस्तों, इसको हमको यहाँ पे हाइड करना है, तो इसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों, आपके को यहाँ पे एक एक्सेस कोड सेट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक्सेस कोड इसलिए सेट किया जाता है, जो आप ऐप हाइड करोगे उसको आप जब भी देखोगे तो एक्सेस कोड से ही आप हाइड वाली ऐप को देख पाओगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दिखा रहा है 1 से लेकर 16 अंकों के बीच का कोई भी आप एक्सेस कोड बना सकते हो, लेकिन पहले भी हैज होना चाहिए और लास्ट में भी हैज होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से हम एक्सेस कोड बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम 4 अंकों का एक्सेस कोड बनाएंगे। यहाँ पे हैज लगा दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे राइट वाले निशान पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे, अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है, आप अपने डायल पैड में जब भी जाओगे आप एक्सेस कोड डाल के अपना हाइड वाली ऐप यहाँ से देख सकते हो। आपको यहाँ पे इस संकेत भी दे रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको जितनी भी एप्लीकेशन हाइड करना है आपको इस उसके सामने टिक यहाँ से इनेबल कर देना है। दोस्तों, यहाँ से गूगल प्ले स्टोर ले लिया। दोस्तों, मैंने गूगल बाई फाइल बाई गूगल लिया और गूगल प्ले स्टोर। अब दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं हमारा हाइड हुआ या ना। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं भी हमारी फाइल्स नहीं दिख रही और ना ही गूगल प्ले स्टोर दिख रहा है। तो दोस्तों, सक्सेसफुली हाइड हो चुके हैं। दोस्तों, आप हाइड वाली ऐप को देखेंगे कैसे, इसके लिए आपको यहाँ से अपना डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे डायल पैड में आपको डाल देना है जो आपने एक्सेस कोड बनाया था, वो एक्सेस कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप डाल दोगे दोस्तों, आपकी जो भी ऐप हाइड रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों, इस तरह से आप ओप्पो A77s मोबाइल में ऐप को हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों, वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।